अरे हम मार रहे हैं। अरे पांडे जी क्या कर रहे हैं? अरे रहे अब हम मार रहे हैं। पांडे जी ऐसा मत करिए। अब समझाना है तो उस पगला को समझाओ। अब गजराज सिंह के भाई को गिरफ्तार कर लिया। सरकार कितना तनखा दे ले? 40। और हम 80। फिर भी हमार भाई अंदर कैसे भाई? कैसे भाई हमार भाई अंदर? नया इंस्पेक्टर सरकार, नया इंस्पेक्टर, नया इंस्पेक्टर अंदर बाहर। हाँ चल। अरे बाप, कानून के कोठा से आज तक कौनो ऐसा दरोगा पैदा ना भइल बा जौन हमरा भाई के लॉकअप में बंद कर सके। ए इंस्पेक्टर, तू हमरा के ठीक से जानत नइखे। तोर भाई बतौले रहे तू विधायक बड़ा, बाकी जौना तरह तू भोकता रह, गली के कौनो आवारा कुकुर से ज्यादा नहीं खला कर। ए दरोगा, नेताजी शांत शांत। दरोगा जी, नकनी बाबू की रिहाई। तिलकधारी सर, छोड़ दो इनकरी भाई के। ओके सर। और सुना, अपनी भाई के समझा के रखिए कि दोबारा अगर कोनो लड़की के छेड़त मिल गई तो ऐसन बैंड बजाई, ऐसन बैंड बजाई कि कोनो बजनिया तोरा भाई के नचनिया तक ना रखी। हमरा भाई के कोनो बजनिया नचनिया रखे चाहे ना रखे, पर याद रख, याद रख, हम तो ऊ हाल करब कि ये जवार के कोनो भी नाच पार्टी के जब भी कोनो भड़ुआ का जरूरत पड़ल तो सबसे पहले तोरा से कांटेक्ट कर। का कहले रहला कि हम गली में भौके वाला आवारा कुत्ता बानी 24 घंटा में तोरा से अपन ना चटौली तो हमार नाम गजराज सिंह, माननीय विधायक जी के नाम। चला दारा, चल। हेलो इंस्पेक्टर विजय, तोरा के का जरूरत रहे गजराज जी के भाई के गिरफ्तार करे के? और सुना, काल से तुहार ड्यूटी विधायक गजराज सिंह जी के सुरक्षा में लगावल जाता। और याद रखिया, ए बारी कौनो गड़बड़ी ना होखे के चाही, ई हमार ऑर्डर बा। ओके ओके सर। सर, अरे एसपी साहब, रहुआ का है दरवाजा खोला था नहीं? दरवाजा ओकरा से खोलवाई जेकरा के हमरी सुरक्षा खातिर तैनात कइले बानी। विजय, दरवाजा खोला। एसपी साहेब, ई दरोगा सलामी ठोके के ट्रेनिंग ना ले ले बका? विजय, पड़ गए ना ई खादी, खाकी पे भारी। चला, ई है हमरी देश का बदकिस्मती है कि अगर गधा भी खादी पहन लेना तो तोहरे जैसे खाकी में रहे वाला शेर भी कुकुर जैसन पूंछ हिलावे लागेला। अब आवा हमरे पीछे पूंछ हिलावत। We'll be right back.
भाइयों और बहनों और हमारे माता पिता तुल्य, आप सभी को गजराज सिंह का प्रणाम। हम अपना अपना घर में चैन से सोते हैं। कैसे कैसे का है कि सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह जैसा बहादुर जवान हमारा देश की सीमा में दुश्मनों से हम सब की रक्षा करता है। तालियां। इसीलिए आज हम इस पार्क का नाम शहीद महेंद्र प्रताप सिंह पार्क रख के महेंद्र प्रताप सिंह की शहादत को सदा सदा के लिए अमर बना देते हैं। खाकी वर्दी हाथ में पिस्तौल और पिस्तौल के नोक हमरा माथे पे। अच्छा लगा था। बाकी कानून के मंदिर जाना के तू लोग अदालत कहला, सजा देवे खाती सबूत मांगेला इंस्पेक्टर सबूत। बाकी विधायक पगोली हम ही चलौनी है। आई देखे वाला भगवान, चिड़िया चुरुम या तो तू बड़ा। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि ऊपर से नीचे आके गवाही दिए, और चिड़िया चुरुम के भाषा जात साहब के समझ में ना आई, और रह गेले तू तो एगो पुलिस वाला के गवाही कानून ना माने। अच्छा हम ही कह दे कि दरोगा जी प्रमोशन पावे खाती हमके डरा धमका के मुजरिम साबित कर चाहता रे, तब का हो पिस्तौल हमारा माथे से हटा ला इंस्पेक्टर, और जाके विधायक जी के रखवाली में लग जा। की किस्मत रोज रोज साधना थी। कोनो महान आदमी के कह नाम हवे कि पाप से घृणा कर, पापी से ना, बाकी हम पाप और पापी दोनों से घृणा करेंगे। दोरा के सजा देवे खातिर ना तो भगवान के ऊपर से नीचे आवे के पड़ी, ना ही चिड़िया चुरुम के कोनो गवाही देवे की जरूरत पड़ी। जरूरत बात खाली हमरे उंगली के एक छोटी हरकत के, गोली दिमाग के आर पार। और सफाई में हमरा के खाली इतना ही कहे के पड़ी कि शक के बिना पर हम तोरा के पकड़े के कोशिश कही नहीं, और तू हमरा ऊपर गोली चला दे ले। हमो अपन बचाव करे खातिर तोरा ऊपर गोली चला देने, और इस जिंदगी और मौत के जंग में जिंदगी हमरा के और मौत तोरा के चुनस। तो हार गर्मी ना इंस्पेक्टर, पिस्तौल के गर्मी है ना, तो आज ले कौनो मामला में केहू हमसे जीतल ना। ले हटा देने पिस्तौल, और सुन, आज ले हमो कौनो मामला में केहू से हर ली ना।
ना मारे के हो जाए जेकरा पे तू गोली चलो ले बड़ा वो इलाका के बाहुबली बा और बाहुबली इंसान पूजा के चरणामृत पी के ना लोगन के खून पी के बनेला और ऐसे ना आदमी के खून पिए के कोशिश तू कर ले बड़ा कुछ तो वजह हुई कुछ ऐसा वजह जौन अब कबो पूरा ना हो सकेला और कुछ अधूरा ख्वाब जौना के पूरा करे के बा मतलब हमरा बाबूजी के जगह पे नया नया ट्रांसफर भई रहे उ हवलदार रहले दरोगा लोगन के सलामी ठोकर ठोकर अपने आँखी में एगो सपना बसा लेले रहले कि वो अपना बेटा के दरोगा बनेगी बस दरोगा के फॉर्म भरे से पहले ही हमर ट्रेनिंग शुरू करवा दे
तू समान हे जान तो के देखिए के डोला ताई मा एक पीस बाड़ू तू समान हे जान तो के देखिए के डोला ताई मा जब से नैना लड़ल बाते आगे बढ़ल रोज अखिया रहे इंतजार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में क्या बात देख भाई हमारा खोकरा से लड़ रहे उ तो हमारे के पलटियों के ना देखले रहे यार पहला पहला लव है लव लेटर लिखे के बकरो आइडिया दस है ना इब्बा हाँ अच्छा ठीक बा भैया हम बताई बताई दे हाँ उगील हे प्राण प्रिय साले यार रमलीला होता रमलीला मारे में बेल मूड बिग दे बा रसलीला के मेटा है रसलीला के सूरज भी हम बताई क्या बताई बे हाँ कहे नहीं उगील उगील लिखा जब से हम तोहरा के देखले बानी हाँ। हमार करे जवा पंपू से एक नियन पुट पुक पुक पुकाता चुप गेहूं पीसे आइल बड़ा भैया हम बताई बताओ अपने दिमाग की कढ़ाई से ना एकदम ताजा ताजा आइडिया छन ले बानी कहा तो परोस दे सलते हूँ वाली भैया के खानदान से बिलोंग करे तेरे चुप अब न ते बताई नहीं तीनों के क्वालिटी हमरा समझ में आ गई अब हमरे कुछ सोचे के परी लोग सही कहला जेकरा के दिल से चाहना ओकरा के मिलावे खातिर भगवान भी ओकरा साथे हो जाले आज वो सही हमरा साथे भइल बा देखना जौना लड़की के देख के हम दिलो दिमाग में बसा लेनी उ लड़की के हुआ और ना ये लड़की ही ए देखना देखना सूरज तुके पता बा ये लड़की के भी है गजराज सिंह के बहिन रश्मि बिया रश्मि तका हो गई बहिने नहिया भाई तना नहिया सूरज तू मजाक मत कर सामने वो लड़का अहमद के देखत बड़ा ना हाँ देखा दनी आनहर बा बाकी वो आनहर रहे ना ओके आनहर बना दिया गई माफ करिए गलती से देखना पड़ेगा का रे हिम्मत कैसे भाई गजराज तोरे माथे के पसीना देख के अब लागत बा कि तोरे प्यार के बुखार उतर गई बा अब अपना लव लेटर के फार के फेंक दा रश्मि 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 हमारा नाम सूरज है और हमके तो उसे प्यार हो गई बा बाकी अपना दिल के हाल ये लव लेटर में लिख देले बानी एकरा के पढ़ लिया पढ़ना लिया पढ़ के बताओ का लिख ले बड़े अब रउआ कहता इनता पढ़ाई के परी ना प्रिय प्रिय
हम धोखे देखले बानी, हमार दिन के चैन और रात के नींद सब हेरा गई बा। अगर पास में कुछ बचल बा, बचल बा खाली एगो अरमान कि तोरा रेशमी जुल्फ के छाव में एगो छोटा सा घर बने, जौना में चाहत के खिड़की से तू हमरा के झाकर और आरजू के रोशनदान से हम धोखे निहारी। ये चिट्ठी में लिखल कनो शब्द ना हमरा दिल की आवाज में। अगर हम हूँ एक आग फोड़ दे तो ई जैसा शैतान और हमने जैसा इंसान में का फर्क रह जाए। भैया जाए दी, छोड़ दी, छोड़ दी, जाए दी भैया। ऐसा नहीं कि तोरा बारे में हमारा पता नहीं के सब पता बा। देखी का करी, दिल के हाथे मजबूर बानी और प्यार जौन होला एगो आके दरिया होला, असचा सी कुहे होला जो उन्हें दरिया में कूदे के हिम्मत रख सके। बस भैया जी के पता न चले कि चाहे बाबूजी हम तैयार बानी। अरे तोरा तैयार भइला से का होई? ए लड़का के इतना समझौनी कि आज एसपी साहब के बेटी के हल्दी कर संभा, जल्दी घरे आ जाई है, लेकिन कौनो बात के एकरा पर असरे नहीं खे। अरे एसपी साहब खुश हो गए ले तो समझ ले सूरजवा के दरोगा के नौकरी पक्का। नमस्ते। आई तू लोग ठीक से रही? आवा शंभुनाथ आवा। जय हिंद साहब। अरे छोड़ा, आज हमें कोई अफसर नहीं, एगो लड़की के बाप बानी। जी साहब, ये हमार छोटका लड़का दीपक है, ई बड़का सूरज हो गए। शंभुनाथ जी, तोहर लड़का के लंबाई चौड़ाई अच्छा बा, बस ये समझा कि एकर पुलिस में नौकरी पक्का बा। अरे पहुँच हो जा। खुश रहा। प्रणाम सर। रहुआ के दोनों लड़का बड़ा संस्कारी बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये बिटिया खातिर एक छोट गिफ्ट ले आल बनी, एकरा के स्वीकार करी। एकर का जरूरत रहे? ले आल बड़ा तो ठीक बा, अंदर भेजवा दा। बेटा सूरज भाऊजी अंदर ले जा, भाभी जी के देती हा। आओ चला। ठीक बा, चला भैया। आओ शंभुनाथ आओ हमरा संग। हजारी बनो तेरी बिंदिया है हजारी। दीपक। हाँ भैया। गृह मंत्रालय ही बड़ी रे। गृह मंत्रालय मतलब तोहर भाऊजी। दीपक एगो काम कर भाई। बोला बाबूजी लगी जो नहीं भैया जाइबा नहीं। चल चल। हाँ हमार हाथ छोड़ा।
ई हमार सहेली के घर बा। तो हम तोहरा सहेली खतियाल बनी और तोहरा अलावा हम यहाँ केहू के पहचानत नहीं खी और ना ही जानत आनी। लाई गिफ्ट अपना सहेली तक पहुँचा दा। पहुँचा देबू ना लो। पागल आशिक बदतमीज। सुना जब बदतमीजी के सर्टिफिकेट दिए दे हलू तो लागत आई सर के किस गाल पले के आही के चाहिए। का हो भाई लेली का चुम्मा। रश्मि हमार नाम सूरज है और हमके तो से प्यार हो गेल बा। ए चिट्ठी में लिखल कोनो शब्द ना हमरा दिल की आवाज बा। और प्यार जौन होला एगो आके दरिया होला सच्चा सिकुड़े होला जौने दरिया में कूदे के हिम्मत ना सके। अगर ये लड़का से हमार दिया भाई तो हमार भैया के मार दिए। रश्मि का भाई पढ़ाई का टेंशन। रश्मि तू एक घर का राजकुमारी हो और हम तो हर शादी इतना बोर घर में कर दे कि तू रानी बन के रहबू। कहा मिली पढ़ाई लिखाई करके समझावा एक राके। जी रश्मि भैया किस्मत में कुछ और लिखल होखे था। किस्मत में जौन लिखल होई तो होकबे करी। कहावत है गजराज नाम है हमार किस्मत हमरे हिसाब से ना चली तो हम किस्मत के बदल दे। घबरा मत हम बानी ना ना रश्मि अरे दिल के दरवाजा पर कोनो राज कर जाई ताहर फूलल फूलल फूलौना। सूरज का समझता रहा तू का समझता रहा तू अपने आप के हमरे भाई के दो चार लोगन के मार के अपने आप के बड़ा सुरमा समझता रहा। उनके पास पूरा फौज बा। तो हमहू आर्मी है अकेला वन मैन आर्मी। लेकिन हमरा नहीं के बुझात कि हमार फिक्र तोहके का इतना होता। बोला चुप का बड़ चलो तू नहीं को बोला तो हम ही बोल देता नहीं हमसे प्यार कर लू ना। झूठ सच है तोरे आँखी में हमके प्यार के समंदर नजर आवता। ये तोहार भ्रम है ना ये अमर विश्वास है। पागल हो गेल बड़ा। देश पर मरे वाला के लोग शहीद कहला और प्यार में मरे वाला के दीवाना। पागल ना अगर मर भी गनी ना तब परवाह नहीं के बस एक बार स्वीकार करला हमर प्यार। सूरज भाग जा यहाँ से भाग जा। आइला भी बोल दो। अरे मारल जाइबा भाग जा। एक बार आइला भी बोल दो। अच्छा आई लव यू अब भाग जा। अब Thank you.
भी पना गिरेला गिरेला बड़ा शौक से दरिया समंदर में बाकी कोनो दरिया में समंदर ना गिरेला आई लव यू रश्मि Ha ha ha!
अपन बहन के राखी के सौगात दे लिया। गजराज जमाना कटिया सदा तू तलवार मोहब्बत के मद होश पानी के आ गया। मोहब्बत न बाटे बस में केहू के खुदा भी झुकल बा मोहब्बत के आगे। ते हमरा के अपना बहन के राखी के वास्ते छोड़ ले हना तसुन ते हमर मुखे वाले सार बाड़े रे वही राखी के वास्ते हम हु तोरा के छोड़नी है कि जब हम रारू ससुराल से नहीं हट जाओ तो के अपना बड़ भाई के कभी महसूस ना होके। देख बहन, ऐसे रोवला से कुछ होके वाला नहीं है। हवा लाग चाहे तो मिट्टी के उड़ा के चांद तक ना पहुंचा सकेले। अब है कि हमार जित समझा या अपन तकदीर कि ये जन्म में हम तहरा की वो खुशी ना दे सके नहीं जो ना खातिर तू रो थाड़ो तो मौत दे दी भैया कहे कि सूरज के बिना हम ना जी सके नहीं। बस बस पागल होगल बाड़ू पागल होगल बाड़ू हराम ज्यादा के प्यार में। देखो रश्मि एक बात हमार ध्यान से सुन ला जान में दाग बा बाकी हमरे इज्जत में कोनो दाग ना और तहरा चलते हमरे इज्जत पर दाग लगे ई हम कोनो कीमत पर बर्दाश्त ना कर सके समझावा एकरा के। रोवा रुकी दाग ता इज्जत पे ओ दिन लागी जोने दिन राउर की बहिन उ लइका के हाथ पकड़ के भाग जाई। अगर इज्जत तार तार होके से बचावल चाहता नहीं तो बहिन के घर से भागे से पहले ओकरा के डोली में बिठा के उ लइका के साथ विदा कर कहे के रश्मि के आखिन में जो मोहब्बत के सैलाब हम देखले बानी उमें राहुल की इज्जत और मर्यादा सब कुछ आगे बह जाए। बतावा इतना सब कुछ हो गई हमरा के बाहर के लोग से पता चला था शंभू चाचा ड्यूटी नहीं खे जाएगी बका। अच्छा तू चला हम आवा तनी। अच्छा सुन ली यहाँ की सूरज लड़की के चक्कर में पिटा गई है। ठीक बा हम जाता नहीं ई महाराज खूब हमार सपना के पूरा करिए। केहू कुछ ना बोली हम बात करब।
समाज सही कहेला, फल से लदल डाली के और बहु बेटी से भरल परिवार वालन के कौनो ना कौनो चौखट पर झुके के ही पड़ेला। जौन भी भइल ओकरा खातिर हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगतानी। हमरे गलती के सजा हमरी बहिन के ना दी, ओकरा के अपन घर के बहू बना ली, ओकरा के अपन घर के बहू स्वीकार कर ली, ओकरा के अपन घर के बहू स्वीकार कर ली। शंभुनाथ जी, विधायक जी, अब शर्मिंदा न करें, हमरा ये रिश्ता मंजूर बा। अब कही तो पंडित के बुलावल जाए, दिन तारीख तय कर लिया जाए। अरे हम बुलावत आने ना, अरे बाप, पहले दरोगा तो बन जाए दी। अरे तो ठीक बा ना, पहले दरोगा बन जा, पहले दरोगा बन जा। पर ये रिश्ता के हम पक्का समझी ना? एकदम एकदम। चला तानी, अच्छा चला तानी, प्रणाम प्रणाम। जाऊन कुछ भइल ओकरा खातिर क्षमा क्षमा। हाँ गाड़ी निकाला। अच्छा हम भी चला तानी ड्यूटी पे जाए के बाद। देख अब दूध पी के तोरा भौजी से किंग करत नी चूट। हां भौजी यहां कर भीतर जो दरोगा बन गइला। मामा जी भैया दरोगा बन के आ गए। से घूम के काहे खड़ा बनी, एक बार पलट के ता देखी कि राउर बेटा वर्दी में कैसा लगता। सूरज बेटा, आज अपना सपना के दिन के उजाला में देखे के हिम्मत नहीं के होत। जाना तारा एक पाप के सीना गर्व से कब फूलेला, जब ओकरा पता चलेला कि ओकर बेटा ओकरी ना रहले के बाद भी आपन घर परिवार चला। आज एक हवलदार बाप आपन दरोगा बेटा के सलूट मारत। सरवन भाई, हाँ जी जा, आज पूरा पुलिस लाइन में मिठाई बिठवा दा। हेलो सूरज, आओ हमारे पैंट के डोरी। तू ना सुना, एगो बहुत खुश खबरी बा। जल्दी बतावा। अगर फोने पर बता देबना त ए जान खुश खबरी के खुशी कम हो जाई हो। हम त मिल के बताई। तो बतावा हम कहां आई? ओही मंदिर वाला घाट में, जहां तो के पहली बार देख के हमरा मन के मंदिर में प्यार के जोत चल रहे। बस बस कवि जी, बाकी की कविता सुनेला, हम खुदे मंदिर के घाट पर आवत बानी। ए सुना, का तहरावे में कहीं लेट हुई ढेर देर कर दू, तब तक लेगो एगो चुमा देना दा। तू ना
ए रश्मि देख देख तो और भाई आइल बा घर ले जाए के वास्ते उठ चल ठीक बा हम तो हर सब बात मानब चल हे रश्मि रश्मि मर गईली करे हाँ काहे अपन भाई के छोड़ कर चल गईली सब कुछ तो मान गल रही थी तोरा खातिर शादी खातिर हाँ कह दिल रही ना फिर काहे मर ले काहे मर ले हमने की मर ले देखा देखा इंस्पेक्टर अपन काम वासना के चलते हमार बहन के मार देलस अबे कैसा आशिक है अपनी ही जान को मार दिया हमी खून नहीं कहले नहीं कहले हमी खून अबे हर खून करा वाला यह कहला अरे काम वासना की इतनी जल्दी काहे धीरे शादी तय हुई थी ना तेरी सुहागरात बना लेता कुछ दिन और इंतजार कर लेता हैं अब चल मेरे साथ तो बिठवा हैं कहाँ देख रहा है कहाँ देख रहा है बे हैं कहाँ देख रहा है खून नहीं के लिए बाबूजी नहीं के लिए हमी खून खून क्या कर खून गजराज सिंह के बहन रश्मि के खून ना बाबूजी ये झूठ बोलता हम रश्मि के खून नहीं के लिए हमार विश्वास करी बाबूजी शंभुनाथ तू एकरा सामने से हट जा और ये मुजरिम के पकड़वावे में कानून का मदद करा और जोन कहता वो कर फैसला यहाँ ना अदालत में बोल बाबूजी का अपना बेटा पर भरोसा नहीं करूंगा ये बताई आखिर हम अपना जान के चाल कैसे ले सकता कैसे अपन प्यार के ही ना एक बाप के भरोसा के भी खून के लिए बाड़े ना बाबूजी हमी खून की गई है बाबूजी एक बाप के उम्मीद के खून के लिए बाड़े बाबूजी एक बाप के सुपना के खून के लिए बाड़े हमी खून नहीं के लिए बाबूजी मत मारिए करक आज हमू एको खून करब तोरी साथ है आपन रिश्ता के ले जाए मुजरिम के हमी खून नहीं के लिए हमी खून नहीं के लिए बाबूजी नहीं खी खेल ले जा चो ऐसे कैसे ले जाएं हवलदार शंभुनाथ तोरा कातिल बेटा के शरीर पे वर्दी अच्छी ना लागत पहले हम वर्दी उतार चो चो ये खूनी शरीर पर ये वर्दी शोभा ना दे दुबे यातार बाबूजी ऐसा लग रहा है यातार बाबूजी हमी खून नहीं के लिए बाबूजी हमी खून नहीं के लिए मत लेके जाइए Yeah.
लेकिन गजराज के असली चेहरा सामने तब आयल जब हमरा घर में हरदिया नहीं खे दरदिया देहले ए बालामू बालामू ए बाबा बालामू। बड़ा परेशान बड़े ना तू ई जाने खातिर कि ई खून कैलस के बाकी रश्मि अभी मरल नहीं खे जिंदा बिया जिंदा हाँ अब कैसे जिंदा बिया इबा गुप्त गुप्त इबा गुप्त गुप्त इबा गुप्त गुप्त इबा गुप्त गुप्त। अब ज्यादा परेशान मत हो, ई सस्पेंस थ्रिलर कहानी हम तोके शुरू से सुना देत बानी। हम अपन बहिन के समझावे के बहुत कोशिश करी। पागल होगल बाड़ू, हाँ? पागल होगल बाड़ू हरम ज्यादा के प्यार में। ई हवा कितनो भी तेज बहे, धूल के उड़ाकर चांद तक ना पहुंचा सकेले। बहिन तो बहिन, हमार पत्नी भी हमरा के समझावे लगी। दाग तो इज्जत पे ओ दिन लगी जो अने दिन राउर की बहिन उ लड़का के हाथ पकड़ के भाग जाए। सलाहुद्दीन
और अपन ऊ खुशी तू हमरी बहन के फोन पे सुनौला। हेलो सूरज, सुना एगो बहुत खुश खबरी बा। का जल्दी बतावा। ओही दिन तोरू खुशी हम तोरी गम में बदल देंगे। चला भैया। ई का बदतमीजी हो। सुनाई नहीं खेदे भैया के बुलाई का। ई सब राव और भैया के मर्जी से ही होता। आज ही गाड़ी में तू ना केहू और बैठी ऊ देखा। कैसा लागली हमार लिखित निर्देशित फिल्म? बहुत घटिया गजराज। नथुनी चिल्ला। फिल्म के क्लाइमेक्स अभी पूरा नहीं किया भाई। एगो बात हमार कान खोल के सुन ले। तोरा के इतना भयानक मौत मारब, इतना भयानक कि तोरा लाश पचील कौआ भी आवे से डरिए जा। हर रोज मौत के मुजरा देखे वाले गजराज के तो मौत के धमकी देता रे। लागता जेल के रोटी खाकर तू पगला गइल बा। चिंता ना कर, बहुत जल्दी हम तो के आजाद करा दे। ई जेल से ना, दुनिया से। एक बात है, हमार बहिन तो से बहुत प्यार करे ले, तो के बेगुनाह साबित करे खातिर अब तक जिंदा बा, ना तो कब के मर गल रही थी। बाकी ऊ कहां बिया? ई बा गुप्त गुप्त, ई बा गुप्त गुप्त गुप्त। अब अपन ज्ञान से ई गुप्त का बा ई ढूंढा ढूंढा। ए नथुनी चला। गुप्त गुप्त ई बा गुप्त। जेल में हमारी जान के खतरा बढ़ गई रहे और वैसे भी वहां रह के हम अपन बेगुनाही साबित ना कर पाई थी, यही से भाग गई। काए बात के खबर गजराज के पता लाग चुकल बा? बिल्कुल चल गई हुई। कैसे कि जेलर गजराज के पोसुआ कुत्ता। फिर तो के सावधान रहे के जरूरत बा।
एक चीज अच्छा भइल कि हमार ड्यूटी गजराज के सुरक्षा में लग गई। हो सकेला साथ रहते रहते रश्मि के कोनो ना कोनो सुराग मिल जाए। बाकी गोली गजराज पे चलल बा, दहाड़ तो वो मरबे करी। गप्पर सिंही कह गइल जो डर गइल मर गइल, अरे हम तो डर भी गईनी और बच भी गईनी। वाह भैया जी वाह। ए तिलक धरिया यार, अरे आगा हमरा सुरक्षा इंतजाम में इतना बड़ी भूल कैसे भई? भैया जी इंस्पेक्टर पीछे की जिम्मेदारी रहल। चला अपन पिछवाड़े के गंदा इंस्पेक्टर विजय के पिछवाड़े ना पोछ। हमरा से ऊपर के मलाई के खाला ते खाले क्यों? हम तोरा से पहले भी कही नहीं कि जेलर के फोन रहे वो सूरजवा जेल तोड़कर भाग गईल। काने की ना हमरा इतना चेतावला के बावजूद हमरे सुरक्षा इंतजाम में इतना बड़ा भूल कैसे भइल? सॉरी भैया जी, सॉरी सॉरी। काला अंग्रेजी में बोल के हिंदी के गाली ना दे। सॉरी बा सॉरी बा, तब प्रायश्चित करा। तू सूरजवा पाताल में भी होके तो ओकरा के ढूंढ निकाला, जौन मन में आए तौन करा, इनकाउंटर करा, इनकाउंटर। लेकिन ओकर पेशी अदालत में ना, नरक में होके के चाहिए। वो तो हो जाए भैया जी। प्रमोशन तुहार प्रमोशन की जिम्मेदारी हमार। अब जो जैसे कुकुर हड्डी के सूंघेला वैसे तू सूरजवा के सूंघ। कैसे सूंघे? बहु 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 भारत के बेहुदा तस्वीर। चला खाकी के अंदर रहे वाला सिंघम सिंघम। ए अरे वो अशोक चक्र में तो तीन गो शेर लोकेला ना, चौथा शेर तो रे यहाँ होला। ओकरे बाद भी हमरे सुरक्षा इंतजाम में इतना बड़ा फूल कैसे रे? तो यमराज के साथ गजराज का पर्सनल रिलेशन बा, यहीं से बच गई नहीं न तो आज हमार राम नाम हो गई लो। बच गई नहीं। चल जाओ, जो जाकर बाहर कुकुर लोगन के साथ बैठा जाओ। ए ले जा रहे कुछ ठंडा न पी अब। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी गरम बाड़न हो, लागा तो खा जाए हैं का। बाप रे बाप। जय मंगरू। हाँ भैया, होली के दिन है। हाँ भैया, पिछला दरोगा तिवारी जी के हत्या तो ही कैले रहले ना। ना भैया, होली के दिन त थाना प्रभारी यादव के मरले रहनी। तिवरिया के त दिवाली के दिन थाना से निकलते ट्रक से उड़ा देनी।
केस बनल एक्सीडेंट के आ तीन दिन में बहरी आ गई नी, बाद में भैया जी सबके सोए चाट गई नी। भैया का कहले रहल रे भैया रउआ के सर्वा करी अइले रहल। याद आइल तिवरिया के बेटी बेटा के तो पता नहीं के। हाँ भैया, लेकिन ओकर मेहरारू हाजीपुर के कोठा में, हाजीपुर के कोठा के शोभा बढ़ावत पुलिस वाला के मरबे, पुलिस वाला के मरबे साले, पुलिस वाला के मरबे। भैया मारा था साला। बस बहुत बर्दाश्त कहनी तोरी वर्दी की गर्मी, अपना अब तोरी वर्दी उतार के रहा। चुप 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 साला, ये बार बार वर्दी उतारे की धमकी का दे रहे। शुक्र मनाओ के वर्दी पहन ले बानी तो कानून के पालन करत आई। अगर ये वर्दी उतर गई तो आज और अब भी गजराज का यमराज से कनेक्शन कट। सब का बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे ना 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 ना, बदतमीजी नहीं खे। वो कहा कि हमार हो गई बा प्रमोशन और राउर को हो गई सस्पेंशन। राउर हो गई सस्पेंड, ये रहल आपके सस्पेंशन ऑर्डर। ए भैया दे दे, पढ़ ले। तिलकधारी, जाके अपना बाप गजराज से कह दिए कि आज तक हम वर्दी के फर्ज निभावत रहनी हा, बाकी अब सच्चा नागरिक होके के कर्तव्य निभाई। वेरी गुड, मार्वलस। मगर गैला से पहले ये अपना वर्दी तो देख के जा, उस सरकारी सर्विस रिवॉल्वर बेल्ट के साथ। निकाल निकाल वर्दी जो है भिजवा, क्या कि नंगा तो तुके भेज दे सकीला। ठीक बा, हां ओए होए होए, वेरी गुड। परेशान मत हो को सूरज, वर्दी उतरल बा, जंग के फैसला भी नहीं खे भइल। तू देखिए इस जंग में जीत गजराज के ना हमनी के होई। बाकी विजय रश्मि के पता लगल जरूरी बा, एक ही रास्ता रहे ओकरा माध्यम से रश्मि तक पहुंचे के। अब वो बंद हो गई। सूरज, एक मंजिल के कई रास्ता होला, एगो बंद हो गई तो का भइल। तू देखिए कई रास्ता मिल जाए। भैया जी
अरे तिलक धरिया। प्रणाम भैया जी। आज अचानक ही है? अरे मिठाई लाए हैं। अरे वो तो हम देख रहे हैं। प्रमोशन का प्रमोशन आप ही के आशीर्वाद से तो हुआ है। वो तो सदा रहे आशीर्वाद तो सदा रहे। पाचू अपा बढ़िया सा आशीर्वाद दे। नाम काबा लगधारी। अरे तोर ना इनका। मालती 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 बहुत ही सुंदर और अच्छा नाम। अरे बहुत बढ़िया खाना भी बनाती है। और तंदूरी चिकन तक क्या बताएं। ओ तो बुलावा कबो घरे बुलावा। हाँ तो आज ही चले आए। आज हम जरा तानी तैयार। हाँ ठीक है ठीक है तैयार। आठ बजे आ जाए। आठ बजे अरे तिलक धरिया काहे अपन घर लुटवावे खातिर डाकुअन के सरदार के बुलावत अड़े। लुट जाई रे लुट जाई तोर तिजोरी आजे लुट जाई। सुख शांति से जियब हमनी शराब पिया। समझे में नवता साला कि हम ही पार्टी रहने वाले कि भैया जी कौनो बात है पांडे जी तुम्हार भैया जी के माल कौनो बाटल बा पलटुआ एकदम सही कहत बाड़े तू। अरे हमारे पास चमन कुछ बा वो तो भैया जी कहते अरे कमाल 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 शांति से जियब हमनी शराब पियब। कमाल बा पांव से कैसे कैसे ऐसे कैसे हम कहाँ जाई हो कोला दिल का दरवाजा कहाँ जाई हो कोला दिल का दरवाजा। अरे भगवान के लिए कहाँ छोड़े गजराज के सामने भगवान भी ना आ सकेला। हाँ मजा ले और हमके मजा दे। जब तक है जी में जी भर के मजा ली। सुख शांति से जी बेटा और जी भर के शराब पी। तोहार माल भैया जी कमाल। हम तिलक लगा देनी। ए न सुनी चल चला भैया काम हो गइल बा। ए मालती 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 जब ले जिया तब ले पिया।
कहाँ मालती? सुत गेलू का हो मालती? हे मालती उठा, कहाँ पर मालती? गजराज सिंह हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैलस, और तो घर में रहला धिक्कार बाओ पति पर, जौन अपने पति के इज्जत के रक्षा ना कर सकीला। का कर पाड़ू तू? ई शरीर अब हमरा के बोझ लगता, ई बोझ के हम ना ढो सकी थी। मालती, मालती संभालो अपने आप के, संभालो, हमरा के सब पता चल चुकल बा। बाकी जो ना अंगेठी से तोर घर में आग लगल बा, वो अंगेठी में आग तू ही लगावले रहला। ओकरा के राख भी हम ही बनाए साहेब, तो फिर तो हमने का कैसे मदद कर सकेला? तो हर बेगुनाही के सबूत हम बता सकेला। गजराज सिंह अपने बहन के अपने फार्म हाउस पे बंदी बना के रखले बाटे, और लड़ाई में राहुल लोग के साथ है हमारी। शायद ही नेक काम से हमारी पत्नी की आत्मा की शांति मिली। हाँ बोल पलट हुआ का? ठीक बा। ए नथु दे, पलटुआ के फोन रहे। वो साला सरकारी कुकुर तिलक धरिया दुश्मन के साथ मिल गई बा। वो हमनी के सारा राज भोग सकेला। तुरंत फार्म हाउस फोन लगाओ, तुरंत। रे मगरुआ। हाँ बोल। अरे तो यार फोन बजाता। अरे बाजा दे सरवा के। साले। 3 दिन से साला परेशान भेले बा। 45 के रिचार्ज पे 50 के टाक टाइम फुल ऑफर सीमित समय तक। का भाईल है? का भाईल? अरे साला मंगरुआ फोन में नहीं खोटावत। तू गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। अरे चल सन। अरे तिलकधारी भैया कैसा आए हो? रश्मि से मिले खातिर भैया जी के फोन आल हल के ओकर तबीयत खराब बा। बाकी ही दोनों के आओ? डॉक्टर हो जा मिल ला। आए डॉक्टर साहब। Me? Mm-hmm.
बतरा ले रे सूरज तोड़ दे दरवाजा साले के रश्मि के लेके परने आप निकल जा हमार कुकुर हमरे पे ही भौंके चलल रहे ये गद्दार तो मर गई सूरज वाबी जिंदा ना बच के जाए खुश रहा अरे बेटा तू यहाँ तू तो जेल में रहला ना ऐजा किसे बहुत लंबा कहानी बा मामा जी हमार बहिन तो से बहुत प्यार करे ले क्योंकि तो बेगुनाह साबित करे खातिर अब तक जिंदा इतना बड़ा धोखा बाकिर बेटा तू अपन बेगुनाही साबित करके जीजाजी के मौत के सच्चे श्रद्धांजलि दे ताकि उनकर मौत सार्थक हो सके हाँ मामा जी जौना गजराज के चलते हमार घर परिवार उजड़ गई वो गजराज के फांसी के सजा दिवा के ही दम ले भव तभी हमारे बाबूजी की आत्मा के शांति मिली मामा जी ये विजय नमस्ते मामा नमस्ते हमार दोस्त नमस्ते सूरज तू लोग आराम करा हम चला था कैसे की काल हो लिया तो कोर्ट बंद रही हम अजू जाके वकील से मिलकर सारा कानूनी कागजात तैयार कर लेता नहीं अगली मुलाकात कोर्ट में हुई मामा मामी अच्छा सूरज हम चलत मानी तू लोग अपन ख्याल रखिए लाओ रे अबीर तनी हम होली खेली ले भैया होलाली चुनरी पे होली हमें रंग बरसे
अरे होली के दिन रंग खिल जाते हैं, आपलुकाइल भुलाइल सब मिल जाती है, है ना मामा? ए मामा, 20 बार समझाऊंगी, 20 बार कि तू राजकुमारी है और बिया के बाद रानी बन भी, समझाऊंगी ना? पर एकरा के तो नौकरानी बने की भूत सवार बा। ए देख बहिनिया, एक बात जान ले, तोरी मांग में एगो खूनी के नाम के सिंदूर ना पड़ सके, और खास करके उ जो तोरी ही खून के जुर्म में फसल होके। निकल निकल पर्दा से बाहर, निकले के कहनी ना। अरे बहनिया, काहे काहे तू एकरा के बेगुनाह और अपन भाई के गुनहगार बनावल चाहत बाड़ी, काहे? तोरा से बहुत प्यार करे नी, हाँ? कोनो तकलीफ दिए नी, हाँ? नाना, हाँ? चल चल, घर में सब तुम्हारे इंतजार करत बाटे, चल चल, सब ठीक हो जाए, चल चल बेटा चल। भागा सुरन, लक्ष्मी उसे पकड़ लेके भागा, भागा सुरन, भागा। मामा, आई पकड़ो नदी के, तेज दौड़ के फिर वो वापस आई। ले 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 ले, दरुपी दरुपी। अगर तोर भाई रश्मि के लेके ना वापिस आइल ना, ते जान ले कि आज के रात तोर जिंदगी की आखिरी रात होई। लेपी, आज की रात बड़ी कातिल है, अब जिंदा उसको जिलने दो, जिलने दो। आज होली है तो पिलने दो, आज होली है तो पिलने दो। ए मंगरुआ। हाँ भैया। चल यहाँ से, बाकी तोनी कुल देखिए सब एके। हाँ बोल झगड़ुआ। भैया जी, दीपक ससुरा चकमा देके भाग गई। हराम ज्यादा, सारा सब का सब निकम्मा हुआ सर। अब हमार बात ध्यान से सुन, ये खबर सूरजवा के ना पता चले के चाहिए, काले कोर्ट के तारीख बा, दीपक वा कोनो भी हाल में सूरज के लगे ना पहुँचे के चाहिए, और ढूंढे सन।
सूरज आओ, सूरज आओ। जज साहब, अब समय बहुत हो चुका है। सरकारी वकील साहब अपनी झूठी दलीलें देकर, निराधार दलीलें देकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी। जज साहब, रश्मि की मौत की पुष्टि कोर्ट में पहले भी हो चुकी है। लेकिन हमारे काबिल दोस्त सरकारी वकील, इनका कहना यह है कि मृतक रश्मि की हमशक्ल है। जज साहब, हमारे वकील साहब रश्मि की हमशक्ल की हत्या की झूठी और निराधार दलील देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे मुवक्किल गजराज सिंह को रश्मि की हमशक्ल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मुजरिम के आने तक का इंतजार मत किया जाए। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं बड़ी विनम्रता के साथ अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बिना मुवक्किल की बात सुने हुए अदालत कोई फैसला कैसे सुना सकती है। वकील साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि आपको मुवक्किल जेल से फरार हो चुका है। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। मिलॉर्ड, हम अपने मुवक्किल की तरफ से हलफनामा दाखिल कर चुके हैं और हमारा मुवक्किल आज कोर्ट में जरूर पेश होगा, जरूर पेश होगा। आओ सूरज आओ, आओ सूरज आओ। भैया जी, सूरजवा आ गए। मेरे दो अन्ना मोल रतन, एक है राम तो नई लखन। हमारा भाई के कुछ भाई था। हमारी बहिनी आके दे दे तो मिल जाए तोहरा के लखन। ढेर मत सोच सूरज, नहीं तो दिमाग के नस फट जाए। हमके जाए द सूरज, ये मुश्किल हालात में तू फैसला ना कर सकेला, हमरा के करे द। Oh, oh, oh.
हमने के ऊपर गोली वो चलाई जे आज ले गो रुपये रिश्वत ना ले ले होई। हमने के ऊपर गोली वो चलाई जे खाकी वर्दी पहने समय लिया गया शपथ कर सच्चे दिल से पालन करे होई। खाकी के पावर तो नहीं लोग के पता नहीं के अगर हमने के सच्चे दिल से चाहिए जा तो मंदिर के बाहर रखा लेगो चप्पल तक चोरी ना हो सके। अगर दोनों लोग के खाकी वर्दी के पीछे जरा भी अगर जमीर बाकी होके तो गजराज के तलवा चौटरी बंद कर दो लोग। ए, गन डाउन। तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रश्मि का खून मिस्टर सूरज ने ही। एक मिनट। हम अपना बेगुनाही के साबूत अपना साथ लेके आए बनी जज साहब। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर बोलिए। जौना लड़की के खून के इल्जाम हमारा सर पर लागल बा आज लड़की रुआ सामने भी आ हकीकत भी कोनो फिल्मी कहानी से कम नहीं खेजत साहब। सीता गीता कहीं चाहे राम श्याम कहीं खून भइल बा लेकिन रश्मि के ना रश्मि के हम सकल के चौना के कातिल कहू और ना ई गजराज बा। ऑर्डर ऑर्डर। अब अदालत मिस रश्मि का बयान जानना चाहती है। बैठा हो विदाई जी। आपके भाई गजराज सिंह ने ऐसा क्यों किया आप अदालत को विस्तार से बताएं। प्यार जज साहब सूरज और हमार प्यार जौन हमार भाई के मंजूर ना रहे और एक दिन जब सूरज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ खुशी के दिखावे खातिर हमके मंदिर वाला घाट पे बुलाओ ना ओ दिन हमार भैया हमरी जगह हमरे हमशक्ल के भेज देना और ओकर खून हो गई। सूरज जौना के झूठ मोड़ के इल्जाम सूरज के सर पे डाल दिहल गई जबकि असली कातिल हमार छोटका भैया नथुनी रहन। बैठा
खुद मिस रश्मि के दिए गए बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर सूरज को बेगुनाह समझती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस्टर गजराज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ऑर्डर 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 क्या अपनी जगह से लाई नहीं क्यों लाई तुमने मारी एंट्री और हमरी फटी यार अब माफ कर दे सूरज माफ कर दे हमरा के माफ कर दे रश्मि जो 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 तू हमरी भाई हम तो हर भाई हम तो हर भाई बचा ले हमरा के बचा ले भाई भाई बहन के रिश्ता पा तो दाग बड़ा दाग तोरा के सुनो से शादी करेंगे बाला शादी करेंगे बा ही ले शादी ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़ा तो जो मंगला पुड़ रहे काजी हो गई शादी हो गई ऐ सुरज अब तो हमारा जीजा हम तो हर साला अब जीजा साला के कैसे मार सकेला कैसे मार सकेला ऐसे द्वार के आगे नाला और घर के अंदर साला ना रखे के चाहिए और तोरा जैसे गंदा नाली के कीड़ा के मरल अच्छी जरूरी सिंघम 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 पकड़ ले ये अन्याय कर बाट तू हमारा आदमी हुए तू हमारा आदमी बाड़े हम तो प्रमोशन करा दे बचा ले तो प्रमोशन कानून मंत्री मुख्यमंत्री चलोट विजय हीला दिखा दे इकरा पुलिस के ताकत कहा करो दाड़ा ए सब घूम जा लो आज केहू कुछ ना देखी सर वेल डन बहुत बढ़िया सूरज थैंक यू सर भैया हम खरवा चढ़ देव कि ना चुप